वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे नीचे कुछ स्टेटमेंट होंगे, उनके हम लोग को कन्वर्स को निकालना है, इनवर्स को निकालना है एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव को निकालना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज स्मॉलर देन वाई देन एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन वाई स्क्वायर। ओके, एक्स इज स्मॉलर देन वाई देन एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन वाई स्क्वायर वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर्स, ठीक है। अभी आप क्या सोचेंगे, आप यहाँ पे किस तरह सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम में जब भी आपको कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव देंगे तो स्टेटमेंट में इफ़ इम्प्लीकेशन फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है, इम्प्लीकेशन फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, आप देख सकते हैं, अगर समझो ये जो सेंटेंसेज है इसमें दो सिंपल सेंटेंस मिल रहे हैं ना हम लोग को, ये वो ये एक्स इज स्मॉलर देन वाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई, दो सिंपल सेंटेंसेज हमको मिल रहे हैं। अब इनकी हेल्प, इन दोनों को हम लोग P और Q बोलेंगे और बीच में सिंबल कौन सा लगाएंगे, इफ़ है ना, इफ़ देन है ना, तो कौन सा सिंबल लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लीकेशन का लगाएंगे, P इम्प्लीकेशन Q का सिंबल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। यानी आप इसमें कन्फर्म समझ लो, जब भी हम लोग को कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव देगा निकालने के लिए पूछेगा तो हमारे जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें इफ़ कंपलसरीली होगा, इफ़ देन यानी सिंगल इम्प्लीकेशन कंपलसरी होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आप फॉर्मूले के उस पर देख लो, जब आपको पी इम्प्लीकेशन की आपका स्टेटमेंट होगा आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अभी हम सॉल्व भी करेंगे, तो जब भी कन्वर्स फाइंड करना है, कन्वर्स किस तरह फाइंड करना है, क्यू को पहले लिखना है बाद में पी, यानी पी इम्प्लीकेशन क्यू को रिप्लेस करेंगे क्यू इम्प्लीकेशन पी से, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग पी यानी पी जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हम लोग निगेशन अप्लाई कर देंगे, देखो लेफ्ट में भी निगेशन अप्लाई करेंगे और राइट में भी, जब हमारा लेफ्ट में निगेशन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इनवर्स। सिमिलरली जब हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे यानी निगेशन Q इंटर इम्प्लीकेशन निगेशन P फाइंड करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। आप अभी फॉर्मूले देख लीजिए, सिंपल, मतलब Q को पहले लिखना है फिर पी यानी कन्वर्स हो गया, निगेशन अप्लाई कर दिया तो इनवर्स हो गया, निगेशन के साथ आगे पीछे उल्टा कर दिया तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से दो सिंपल स्टेटमेंट सिंपल सेंटेंसेस को ऑप्टेन करेंगे, उसको हम लोग नेम देंगे, लेट पी पहला स्टेटमेंट एक्स इज स्मॉलर देन वाई, सिमिलरली क्यू दूसरा स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, इन दोनों के लिए कंडीशन है एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट का assumption। अब next में क्या लिखेंगे, इनको हम लोग symbolic form में लिखेंगे, therefore the given statement is P implication Q, ठीक है। अब next step में आपको क्या करना है, simple, पहले क्या find करेंगे हम लोग, converse P implication Q का converse क्या है, Q implication P, okay, पी इनवर्स क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू का इनवर्स कन्वर्स क्या है, क्यू इम्प्लीकेशन पी, ठीक है। अभी हम लोग इसको लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, अभी क्या था, इफ़ एक्स इज ग्रेटर स्मॉलर देन वाई, ठीक है, इफ़ एक्स इज स्मॉलर देन वाई, यानी क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, इफ़ पी देन क्यू, आप कैसा लिखेंगे, इफ़ क्यू देन पी, पहले लिखना है ना हम लोग को, ये कैसा है, इफ़ पी देन क्यू, इसको हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे, Q अभी पहले हो गया ना, पहले P इम्प्लीकेशन Q था, अभी Q इम्प्लीकेशन P है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ Q देन P। अभी आप लिखेंगे कैसा, इफ़ Q लिख रहे हैं ना हम लोग, पहला हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या था, पहले P था इम्प्लीकेशन में, अभी Q लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इफ़ उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज ग्रेट स्मॉल सॉरी इफ़ एक्स स्क्वायर स्मॉलर इज स्मॉलर देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज स्मॉलर देन वाई। ओके, देखो आप क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया ना पोजीशन, इधर यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में इंटरचेंज हो गई, उसी तरीके से यहाँ पे भी उनकी स्टेटमेंट में भी पोजीशन इंटरचेंज हो गई। ओके, ये हो क्या हो गया हमारा। ओके, अभी क्या करेंगे, इस पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं जो हमारा ऊपर है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप पेपर में है तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया हमारा कन्वर्स। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे अभी इनवर्स को, ठीक है, इट्स इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स आपको पता है, आपको इनवर्स का फॉर्मूला है अवेलेबल, इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, पी इम्प्लीकेशन क्यू का, निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू,
समझ में आ रहा है, निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। ये क्या बोल रहा है, आपकी पोजिशन इंटरचेंज नहीं होने वाली है, पोजिशन आपकी वही रहेगी, सिर्फ क्या हो जाएगा जो स्टेटमेंट लेफ्ट में था वो निगेशन में चला जाएगा, जो राइट में था वो भी निगेशन में चला जाएगा। ठीक है, निगेशन पी, पी हमारा क्या है, एक्स इज स्मॉलर देन वाई, उसका निगेशन क्या लिखेंगे हम लोग, मैंने आपको हर बार बताया जब भी हमारा स्मॉलर है उसका निगेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब अभी हमारा ग्रेटर है उसका निगेशन क्या आएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, अभी लिखते वक्त हम लोग कैसा लिखेंगे इसको, पहला क्या लिखना है हमको, इफ हमारा पी स्टेटमेंट को टेंशन मत लो, हम लोग पहले ग्रामर वही रेफर करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे इसको एक्स स्मॉलर देन वाई सिंपल सेंटेंस को निगेशन में डाल देंगे, यानी एक्स स्मॉलर देन वाई को एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई में कन्वर्ट कर देंगे, इसका निगेशन लिखेंगे। ठीक है, देन एज इट इज सिमिलरली क्यू, क्यू हमारा क्या, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन वाई स्क्वायर, इसका भी निगेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, इसका निगेशन भी ऑप्टेन किया और इन्वर्स फॉर्मेट में लिख दिया उसको। आप देखो यहाँ पे इफ पी देन क्यू सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, साइन इंटरचेंज सिंबल इंटरचेंज हो गए, क्यों, क्योंकि हमारा निगेशन आ गया। ओके, इस तरीके से हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया अभी हमारा सेकेंड। सिमिलरली आप थर्ड फाइंड करेंगे, थर्ड क्या है हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस तरह ऑप्टेन करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको क्या करना है, निगेशन भी अप्लाई करना है। आप देखो फॉर्मूला कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, आपको निगेशन भी अप्लाई करना है प्लस आपको उनकी जगह भी इंटरचेंज करनी, पी और क्यू की जगह इंटरचेंज की, क्यू और पी कर दी, साथ ही साथ उनको निगेशन भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या लिखूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आ जाएगा, निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। ठीक है, अभी स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे, वही स्टेटमेंट उसी तरीके से फॉलो करेंगे, इफ इफ स्टार्ट करेंगे, पहले क्या लिखेंगे q को लिखेंगे लेकिन नॉट निगेटिव में। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट q का, एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे इम्प्लीकेशन है ना, इसके लिए मैंने इससे स्टार्ट किया हूँ, इफ एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा, स्मॉलर है ना तो सिंपल ग्रेटर देन और नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर देन, फिर क्या आ जाएगा, इम्प्लीकेशन की वजह से इफ और देन आ गया, निगेशन पी, निगेशन पी हमारा क्या, एक्स इज स्मॉलर देन वाई, तो इसका क्या आ जाएगा, एक्सिस ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई। आप इसको है ना इसकी मदद से भी लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसकी मदद से भी लिख सकते हैं, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ क्या है कि पी की जगह में क्यू और क्यू की जगह में पी, जगह इंटरचेंज स्वैप मारना है सिर्फ। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसका भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख दिया। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव आराम से किसी भी सेंटेंसेस कंपाउंड स्टेटमेंट्स का फाइंड कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।